हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के अंदर, जहां पर आज हम खेल रहे हैं लास्ट पायरेट ऑफ आइसलैंड, मतलब लास्ट पायरेट और आइसलैंड नहीं खेल रहे, और जो कि है कि आज के हमारा टारगेट है ये जो हमारा स्टडी मटेरियल है इसको कलेक्ट करना। इसका जो मिशन है मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। और बाईस क्या कर रहे हो यार, ये क्या है, क्या क्राइटेरिया है? देखो यार सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार ऐसे वीडियो बनाने में, तब कमेंट भी नहीं करते। ठीक है बाद में करो, थोड़े थोड़े करके करो, कोई बात कमेंट तो करा करो, कम से कम तुम्हारा कमेंट पढ़ने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है ना, तो फिलहाल जो कि आज का टॉपिक है मेरा, बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो चुका है, तो मतलब बीच बीच में मैं खास भी छूटता हूँ, मेरे को नहीं पता क्या होने वाला। ठीक है ना, तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि हमारा काम आज है स्टडी मटेरियल को जितना हो सकता है उतना जुगाड़ करना, और आज थोड़ा ना खाना पीने का सामान को अरेंज करने वाले जो भी हमारे पास है, और ये ट्रेजर फिर आएगा 6 मिनट बाद। और पहले तो जो भी खाना पीना हमारे पास है उसको हम थोड़ा सा पका लेते हैं, क्योंकि कच्चा कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए, तो इसी की वजह से हम इसको पका लेते हैं। क्या पता कि हो जाए जल्दी से जल्दी, और हो भी गया है। और गाइस रिटेनली आज एक चीज़ तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ, और वो रिटेंशन तो मेरे को दिखा दिया तुम लोगों को, कैसे मतलब वो स्टडी मटेरियल जो होता है उसको कैसे लेना है, उसको मिशन से होता है, उसको कंप्लीट करो और मिल जाएगा। जो भी मेरे साथ ये गेम खेल रहे हो अभी खेल रहे हो क्या ना बताना कमेंट में, कोई भी अगर देख रहे हो ये गेम खेल रहे हो क्या ना नहीं बताना जरा मेरे को कमेंट में, क्योंकि जो भी खेल रहे हैं उसके लिए मैं एक टिप्स देता हूँ, जो मिशंस है ना उसको कंप्लीट करा करो। ठीक है ना, तो इससे कि स्टार्टिंग मटेरियल तुमको मिल जाएगा और जिससे कि तुम जल्दी से जल्दी क्राफ्ट कर पाओगे। ठीक है ना, मेरे को थोड़ा दिन टाइम लग चुका है समझने में, बट मैं समझ चुका हूँ। और फिलहाल मैं जैसे इसको उठाने के लिए थोड़ा सा पहले गया तो इसके जॉम्बी भाई, इन लोगों का जो डैमेज है बहुत ज़्यादा है भाई, इनका हेल्थ बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन डैमेज बहुत ज़्यादा कम रहता है, इसी के वजह से मैं थोड़ा पीछे हट गया था, क्योंकि मेरे को अभी मार नहीं खाना भाई, मेरे को नहीं चाहिए पीटना अभी, मेरे को मंजूर नहीं है पीटना अभी। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए गाइस सीन कुछ ऐसा है कि हमको थोड़ा सा चीज़ें जो हम कलेक्ट कर रहे थे रेड बैरल्स वगैरह सब कुछ में से थोड़ा थोड़ा करके चीज़ बाय मैंने कलेक्ट कर रहा है, जिससे कि हमारा मिशन कंप्लीट हो जाए। और आज ना एक चीज़ तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ, सरप्राइज है। ठीक है ना, एक मतलब एक मिशन का ही चीज़ है वो, कैसे करना है मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा ढूंढा, थोड़ा यूट्यूब में सर्च भी करना पड़ा लेकिन यूट्यूब में कोई नहीं बता रहा था, इसलिए मैंने ही ढूंढा और मैं ही बताने वाला हूँ। देखो ये सब को लर्न करने के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तुम वो, देखो 25 करके चाहिए होगा ये सब स्टडी मटेरियल जहाँ पर जितना भी है। तो सीन कुछ ऐसा है कि इनको मारना पड़ेगा, इनको इन जो स्केलेटन है ये मिशन पे अंदर है, 3 स्केलेटन को मार दो तो मिशन एक कंप्लीट होगा। देखो कुछ रेज हुआ इसी के वजह से होता है। ठीक है ना, तो उसके सॉरी उसके बाद सीन कुछ ऐसा है कि जो भी मतलब हमारे पास फ्रूट्स वगैरह था, केले हो गया और गन्ना वगैरह जो भी हो गया, और मैं एनिमल्स को मार रहा हूँ तो किसी कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मैं तो मारना ही तो पड़ेगा ही, रियल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ इन लोगों से। ठीक है ना, तो सीन कुछ ऐसा है कि इनको मारने से हमको मिलता है खाना पीने का सामान, तो इसको चाहिए होगा फार्सली। और देखो देखो ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारा ट्रेजर बॉक्स भी खोल चुका है। बहुत ज़्यादा मतलब मेरा तबीयत ख़राब हो के रखा था, इसीलिए मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, अभी मैं कर रहा हूँ, फिर भी देख पा रहे हो कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मेरे को, और मेरा इधर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुका है। तुम लोगों के साइड में कैसा ठंड पड़ा है कमेंट करके ज़रूर से बताना, ठंड का मौसम आ चुका है तो क्या चल रहा है तुम लोगों का। ठीक है ना, और अभी देखो मैं ना इधर से मैं मछली पकड़ने वाला हूँ। ठीक है ना, तो इस गेम का जो मछली पकड़ने का सिस्टम है बहुत मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा भाई, इतना टाइम एक मछली पकड़ने के लिए तुम लोग ले रहे हो यार, मेरे को ऐसा लगता है कि जो टाइम ये लगा रहा है ना मछली पकड़ने में गाइस
उतने में तो पूरा का पूरा मछली तो खा लेते हैं दूसरी कोई गेम में होता तो भाई इतना इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई, इतना टाइम मत लगाओ करो। डेवलपर्स देख रहे हो तो अगर डेवलपर्स के पास ये पहुंच रहा है ये वीडियो, ठीक है ना गाइस, इतना फैलाओ ये डेवलपर्स के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है ना, ये वाला वीडियो कि ये सिस्टम चेंज करे भाई यार, क्या मतलब इतना टाइम लगता है फिशिंग करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इधर ना यही तो गिफ्ट था, यही तो ये जो ट्रेजर्स हंटर्स है ना ये मिलता है इससे, ठीक है ना। और मैं इस लोकेशन में आया था क्योंकि ये जो ट्रेजर्स मिलते हैं ना इसके अर्थ ना एक पूरा आइलैंड के ऊपर ना एक क्रॉस बना रहता है जो कि ये लोकेशन दिखा रहा था एक मतलब एक मैप के अंदर, ठीक है ना। और इसको सावल चाहिए होगा, इसमें ना ट्रेजर छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना गाइस, उसको हम ढूंढेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में क्योंकि हम बनाने वाले हैं सावल। और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ, बाय बाय।